अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आप सबको खुश रखे। तो आज हम एक ऐसा हलवा बना रहे हैं जो घर के इंग्रेडिएंट से ही तैयार हो जाता है। ये इंग्रेडिएंट हर घर में हर वक्त मौजूद होते हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में ये बन जाता है। मेहमान घर आए बैठे हों तो फौरन से आप झटपट इसको तैयार करके उनको पेश कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने दूध लिया है, 1 कप सूजी, 1.25 कप चीनी, 1 कप देसी घी और ये मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, इनको गर्म पानी के अंदर भगो दिया है। इनको हम छील कर इनको लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे लंबाई में, और ये थोड़े से पिस्ते लिए हैं इनको भी लंबाई में काट लूँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले सूजी को हम दूध के अंदर भगो देंगे। बिस्मिल्लाह, इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसको कम से कम हम 20 मिनट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए भगवाएंगे। तो आधे घंटे के बाद दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ। तो आधा घंटा हो चुका है सूजी को भगोए हुए। अब हम एक पैन के अंदर देसी घी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल स्लो आंच पर हम इसको पकाएंगे। और ये घी या ऑयल के अंदर चीनी जो है बिल्कुल सिर्फ मेल्ट होती है, इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होती। तो इसको बिल्कुल स्लो आंच पर हम इसी तरह पकाते जाएंगे इसके मेल्ट होने तक। अब ये देखें चीनी मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि इसका कलर हमने हलवे का किस कलर किस तरह का देना है। तो जिस तरह का कलर हमने हलवे का बनाना है उसी तरह के चीनी का कलर हमने निकाल लेना है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर चीनी का कलर बनेगा वही हलवे का कलर बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और करेंगे। तो ये देखें अब इस तरह का कलर हो चुका है। अब हम इसके अंदर सूजी और दूध का मिक्सचर जो है वो ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑयल घी जो है वो बहुत गर्म है तो हाथ को बचाकर हमने इसके अंदर ऐड करना है। इसके छींटे पड़ेंगे और हाथ को नुकसान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो यहाँ पर हम इस तरह से ऊपर से बाउल को पकड़ेंगे और आराम आराम से इसके अंदर डालेंगे। तो सूजी डालने के बाद हमने बिल्कुल भी चम्मच को हिलाने से नहीं रुकना, उसको साथ साथ इसको फौरन से ही मिक्स करते जाना आहिस्ता आहिस्ता, और बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसको पकाना है, यानी मीडियम टू लो आंच पर हम इसको पकाएंगे। और इस तरह से चम्मच के साथ मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर ये गुठलियाँ वगैरह ना बने। जब हम दूध और सूजी इसके अंदर डालेंगे तो चीनी जो है वो दोबारा से जम जाएगी, सख्त हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे गर्म होती जाएगी वो दोबारा से मेल्ट होती जाएगी। और चम्मच को इसी तरह से हम मुसलसल खिलाते रहेंगे। तो इसका मुश्किल पॉइंट जो है वो सिर्फ यही है कि जब जिस वक्त हमने घी के अंदर ये डालना है सूजी और दूध का मिक्सचर, हाथ को उचाना है, हाथ जो है वो जले ना। और दूसरा ये है कि इसको इस तरह से मसल मसल कर हमने इसको पकाना है, क्योंकि जो भी सूजी की जो है वो गुठलियाँ इसमें बनती हैं क्योंकि गर्म के अंदर ठंडा पड़ता है, इसलिए तो इसको मसल मसल कर हमने पूरा टाइम जो है इसी तरह मसलते रहना है और इसी तरह कुक करते जाना है। तो वो चम्मच जो है वो हमारा टूट गया है इसको हलाते हुए। अब मैंने चम्मच इसलिए चेंज कर लिया है। तो आप ये देख सकते हैं ये इसका टेक्सचर जैसे सोन हलवे की तरह होता है, इस तरह का रबड़ी रबड़ी सा बन गया है। तो यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ा सा हम इसको ठंडा करेंगे, यानी ये झाग के ख़त्म होने तक, तो फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो 25 मिनट तकरीबन लगे हैं इसको कुक होते हुए। तो इस स्टेज पर हम इसका फालतू घी जो है वो निकाल देंगे। तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं और नाशपाती घी में भी बना सकते हैं, मैंने वैसे इसको देसी घी में बनाया है। बिस्मिल्लाह। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ऊपर से बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश करेंगे। आप काजू नट्स जो अखरोट वगैरह के होते हैं कोई भी ऐड कर सकते हैं। मखंडी हलवा कहा जाता है। ये मियाँ वाली अटक वाली साइड पर
ये होटलों के अंदर हर शादी पर ये बनाया जाता है, हर शादी की ये शान होती है और बहुत ही मजे का बनता है। तो बनाकर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा बना है ये हलवा।